सब्सक्राइब कीजिए एमडीएम टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो फाइनली गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ Realme 11 Pro एंड Pro Plus के Realme UI 5.0 विद Android 14 के हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक शेयर करने वाला हूँ। अगर आप भी ये दोनों डिवाइस यूज करते हो और अगर उसके अंदर Realme UI 5.0 विद Android 14 का अपडेट कंप्लीट कर लिया है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और अगर अभी तक आपने Realme UI 5.0 विद Android 14 का अपडेट अभी तक आपके फोन पर इंस्टॉल नहीं किया है तो उसके लिए मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑल पे जरूर से प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो फीचर्स तो मैं आपको एक एक करके बता दूंगा लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक बात है कि मेरे फोन पर जो अपडेट है उसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। सेटिंग पर आके मैं यहाँ पर अबाउट डिवाइस पर यहाँ पर देख सकते हो मेरे फोन का जो लेटेस्ट वर्जन है Realme UI 5.0 विद Android 14 का अपडेट कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फर्स्ट फीचर एंड फर्स्ट चेंजेस आप बोल सकते हो, ये आता है हमारे फोन के लॉक स्क्रीन से। जब भी मैं अपने फोन को लॉक से अनलॉक करने के लिए पासवर्ड एंटर करने के लिए आते हैं तो Realme UI 5.0 के अपडेट के बाद इसका जो यहाँ पर डिजाइन है पूरा चेंज हो चुका है, बिल्कुल iOS यानी आईफोन के जैसे ही देखने को मिलता है। बस आप यहाँ पर इजीली आप यहाँ पर पासवर्ड को एंटर करो, आपका फोन आसानी के साथ अनलॉक हो जाएगा। अगर मैं इसी लॉक स्क्रीन के अंदर और एक चेंजेस की बात करूँ तो जब भी आप अपने फोन को लॉक स्क्रीन को ऑन करते हो इसका जो टाइमिंग का डिजाइन एंड आइकन है बिल्कुल आपको iOS के जैसे देखने को मिलेगा। अगर आप इसको कंपेयर करते हो Realme UI 4.0 के साथ तो आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नजर आ जाएगा। उसी के साथ अगर मैं अपने नेक्स्ट चेंजेस की बात करूँ तो इसके लिए आपको ऑन करना है अपने फोन का सेटिंग को। इसके अंदर सेटिंग का जो UI का पेज है आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके पूरा सारे के सारे पेज आपको अंडरलाइन वाले डिजाइन पे देखने को मिल जाएंगे जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सेटिंग UI का जो यहाँ पर डिजाइन एंड आइकन है वो आपको कितना ज्यादा बेटर नजर आया। यहाँ पे नेक्स्ट चेंजेस की बात करूँ तो वो आते हैं हमारे फोन के चार्जिंग एनिमेशन को लेकर के। Realme UI 4.0 के अपडेट में ये होता था कि जब भी हम अपने फोन को चार्ज पे लगाते थे तो ऐसे में हमारे फोन पर जो चार्जिंग एनिमेशन है वो हमें ऑलवेज शो होता था। जब भी हमारे फोन को ऑफ करके ऑन करते थे तब भी हमारे फोन पर एक चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलता था, लेकिन Realme UI 5.0 के अपडेट के बाद ये वाला जो चार्जिंग एनिमेशन है इसको बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। फर्स्ट टाइम जब भी आप अपने फोन को चार्ज पे लगाओगे तो आपको चार्जिंग एनिमेशन तो देखने को मिलेगा, उसके साथ आपका जो लॉक स्क्रीन है वो बिल्कुल आपको डार्क जैसा देखने को मिल जाएगा। जैसे आप अपने फोन को एक बार ऑफ कर देते हो, ऑफ करके दोबारा जैसे ही ऑन करोगे तो आपके फोन से चार्जिंग एनिमेशन बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। उसके बदले में आपके पर टेक्स्ट टाइप में आपको डिजाइन देखने को मिलेगा अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग, फिर आपके फोन पर जितने भी चार्जिंग परसेंटेज है वो आपको शो हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाला अपडेट का जो मतलब फीचर्स है ये आपको कैसा लगा। बाकी मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बकवास लगा क्योंकि भाई Realme UI 4.0 का जो मतलब चार्जिंग एनिमेशन था जो मुझे हमेशा देखने को मिलता था मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला फीचर कैसा लगा। नेक्स्ट फीचर आता है AOD कस्टमाइजेशन। अगर आप भी अपने फोन को Realme UI 5.0 अपडेट कंप्लीट कर लिए हो तो आपको सिंपली आ जाना है अपने फोन को वॉलपेपर एंड स्टाइल, फिर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर क्लिक कर देना है। नीचे के साइड में आने के बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम आता है कार्बन फूट। इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको तीन अलग अलग टाइप का न्यू AOD कस्टमाइज देखने को मिल जाएंगे। Realme UI 4.0 पे आपको देखने को नहीं मिलता था, Realme UI 5.0 के अपडेट के बाद ये तीनों AOD कस्टमाइजेशन आपके फोन पर न्यू ऐड कर दिया गया है। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो आपको कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है, आप इसे कलर भी कस्टमाइज कर सकते हो, फिर आपको जो भी पसंद आए आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके सेट कर सकते हो। फाइनली लुक आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट फीचर आता है डायनामिक आइलैंड। जी हाँ गाइस, अगर आप भी अपने फोन पर Realme UI 5.0 अपडेट कर लिए हो तो आपके फोन पर एक न्यू फीचर ऐड हो गया है जिसका नाम आता है डायनामिक आइलैंड। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक मतलब रिकॉर्डिंग को ऑन कर लिया, ऑन करने का जैसे मैं अपने स्टार्ट करके फाइनली आ जाता हूँ बैक, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे फोन के ऊपर के साइड में एक पॉपअप सा डायनेमिक आइकन का जैसे एक शो हो जाता है। जैसे मैं इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखूंगा तो मेरे फोन पर डायनेमिक आइलैंड के जैसा कुछ पॉपअप सा बनकर आ जाता है। अगर मैं इसको मतलब पुश करना चाहता हूँ पुश भी कर सकता हूँ, दोबारा सा ऑन करना चाहता हूँ इसको ऑन भी कर सकता हूँ।
अगर आप इसको हटा देना चाहते हो थोड़ा देर के लिए, बस ऊपर के साइड में स्वैप कर देना है, फिर आपको यहाँ पर डायनेमिक आइकन के जैसे साइड में शो हो जाएगा। अगर आप उसको वन टाइम प्रेस करते हो तो आप इजीली वो एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाओगे जो आपके डायनेमिक आइलैंड पे शो होता था। इसके साथ आपको और भी एक सपोर्ट करता है, बस आपको सिलेक्ट करने पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जैसे ही ऑन करते हो तो सेम टू सेम आप यहाँ पर ऊपर के साइड में एक डायनेमिक आइकन के जैसे डॉट के जैसा एक आपको मैसेज टाइप का देखने को मिल जाएगा। इसको जैसे प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे सेम टू सेम आप यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड के जैसे पॉपअप से बनकर आ जाएगा। अगर आपको माइक को एंड मतलब स्पीकर को ऑन ऑफ करना तो ऑन ऑफ कर सकते हो, वीडियो को पुश ऑन करना है तो वो भी कर सकते हो, डन पर क्लिक कर देने पर आपके यहाँ पर इजीली सेट हो जाएगा। उसी के साथ अगर आप किसी से कॉल पर बात करते हो तो आप यहाँ देख सकते हो, मैंने अपने फ़ोन पर तो कॉल लगा दिया, जैसे मैं अपने फ़ोन पर बैक आ जाता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो मेरे फ़ोन पर जो है फ़ोन बुक का जो आइकन है वो भी मुझे यहाँ पर डायनेमिक डॉट के जैसे एक आइकन देखने को मिल जाता है, जो हर एक मतलब आपके फ़ोन पर जितने भी नोटिफिकेशन पैनल पे जो भी आपका फ़ोन पर फंक्शन ऑन होगा ये सभी आपके डायनेमिक डॉट के जैसा ये सारे फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है स्मार्ट साइड बार चेंज। बस आपको सिंपली जैसे आप नॉर्मली अपने फ़ोन का स्मार्ट साइड बार को यूज़ करते थे तो आप एक नॉर्मल सा ये सभी आपको फंक्शंस देखने को मिलता था, लेकिन रियलमी 5.0 के अपडेट के बाद आपको ऊपर के साइड में दो अलग अलग टाइप का फंक्शन ऐड कर दिया गया है जिसका नाम आता है फाइल डॉक एंड रिसेंट फाइल। फाइल डॉक को जैसे क्लिक करोगे तो आप इजीली अपने फ़ोन के स्मार्ट साइड बार से ही ये ऐप्स को इजीली एक्सेस कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई भी ऐप्स को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है रिसेंट फाइल। रिसेंट फाइल में जैसे क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन का गैलरी ओपन हो जाएगा, उसके अंदर जो भी अपने फोटोज़ वीडियोज जो अभी रिसेंटली शूट किए होंगे वो सब कुछ आप यहाँ पर अपने फ़ोन के स्मार्ट साइड पर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको ऑन ऑफ करना चाहते हो या फिर कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप वो भी कर पाओगे। सिंपली आपको ऑन करना है अपने फ़ोन का सेटिंग, फिर आपको नीचे के साइड में जाना है स्पेशल फीचर, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्मार्ट साइड बार, बस इसको क्लिक कर लो, एक बार इसको इनेबल कर लो। इनेबल करने के बाद आप यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया फाइल डॉक एंड रिसेंट फाइल का ऑप्शन आता है तो आप यहाँ पर इसको आके इनेबल डिसेबल वगैरह कर सकते हो। डिसेबल अगर आप यहाँ पर कर दोगे तो आपके फ़ोन पर जहाँ पर फाइल डॉक ऑप्शन आता था वो आपका रिमूव हो जाएगा, आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से अगर आपको यूज़ करना हो तो इनेबल कर सकते हो, अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट फीचर आता है स्मार्ट सजेशंस। तो इसके लिए आपको ऑन करना है सबसे पहले अपने फ़ोन का सेटिंग, फिर आपको यहाँ पर जाना है स्पेशल फीचर, आपको सबसे ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा स्मार्ट सजेशंस। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे रिमाइंडर स्टाइल पर क्लिक कर लेना, और सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बार इनेबल कर लेना है स्मार्ट सजेशंस को, फिर आपको रिमाइंडर वाले स्टाइल पर क्लिक कर लेना, फिर आपका तीन ऑप्शन आ जाएगा जैसे कि नोटिफिकेशन एंड लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तीनों को तीनों आपको इनेबल कर लेना। उसके बाद आपको नीचे में देखने में मिल जाएगा फूड डिलीवरी सर्विसेज, इसको क्लिक करने के बाद जो भी ऐप आपके इस फंक्शन पर सपोर्ट करते होंगे वो आप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अभी मेरे यहाँ पर फ़ोन पर जोमाटो एंड स्विगी शो हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जब भी आप ऑनलाइन से कोई फूड को ऑर्डर करते हो तो आप यहाँ से अपने फ़ोन पर फ़ोन के लॉक स्क्रीन हो गया, नोटिफिकेशन हो गया एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो गया, इन सारे आप यहाँ पे फंक्शन से अपने फ़ोन पर ये सभी पूरा डिटेल्स में आप देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको पहले भी ये फीचर देखने को मिलता था। अभी मैं फाइनली आ जाता हूँ बैक, दोबारा से सेटिंग करके आप यहाँ जाता हूँ यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आने के बाद कंस्ट्रक्शन इन्फो पर क्लिक कर देना। ये जो फीचर्स था आपका पहले भी था लेकिन ये सिर्फ आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ही देखने को मिलता था, लेकिन रियलमी 5.0 के अपडेट के बाद आपके लॉक स्क्रीन के साथ साथ नोटिफिकेशन पैनल के भी अपडेट आ चुका है। अगर आप इसको इन्फॉर्मेशन वगैरह चेकआउट करना चाहते हो बस स्मार्ट सजेशन पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मोर वाले सेटिंग पर आ जाना, आपका डायरेक्टली ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से इसको कुछ कस्टमाइज कर सकते हो, नोटिफिकेशन सेटिंग एंड लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। जब भी आप अपने फ़ोन से कोई भी फूड ऑर्डर करते हो तो डायरेक्टली इस सभी का इन्फॉर्मेशन आप अपने फ़ोन के लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड आपके फ़ोन का नोटिफिकेशन सेंटर से आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट चेंजेस की बात करूँ तो हमारे नेक्स्ट चेंजेस आता है ऐप लैंग्वेज चेंज। इसके लिए आपको सबसे पहले ऑन करना है अपने फ़ोन का सेटिंग, फिर आप यहाँ पर जाना है एडिशनल सेटिंग, फिर आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऐप लैंग्वेज। इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद आपके फ़ोन पर जितने भी सपोर्टेड ऐप्स हैं वो सभी आप यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद आप जिस भी ऐप्स का लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हो एक बार इसको क्लिक कर देना, फिर आपको यहाँ पर लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप कौन सा लैंग्वेज को सेट करना चाहते हो। बस सिलेक्ट करने के बाद आपके फ़ोन पर जो आपने सेट किया है वो आपके ऐप्स पर सेट हो जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर आप किसी भी ऐप्स का नेम को चेंज करना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर देख सकते हो मेरे फोन पर पिक्सल लैब इंस्टॉल है, ठीक है। अगर मैं मुझे यहाँ पर पिक्सल लैब का नेम को चेंज करना है, इसको आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ेगा कुछ स्टेप्स का, एडिट पर क्लिक कर देना, फिर आपके फोन पर किसी स्टेप का ऑप्शन आ जाएगा।
अगर आप इसको नेम को चेंज करना चाहते हो, पिक्सल लैब मैंने यहाँ पर मतलब माइनस कर दिया, mm लिख दिया, सेव कर दिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो पिक्सल लैब के आइकन के नीचे जिसका नेम है mm सेव हो गया। तो पिक्सल लैब को रिमूव करके मैंने यहाँ पर mm सेव कर दिया, तो मेरे फोन का जो एप्स का जो यहाँ पर नेम है वो भी बिल्कुल चेंज। अगर मैं नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो इसके लिए आपको ऑन करना है अपने फोन का फोटो, यानी आप एल्बम को ऑन कर लेना, फिर आप यहाँ पर किसी भी फोटो को सिलेक्ट कर लेना। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 10 फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं सिलेक्ट कर लिया तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे फोन के अंदर यहाँ पर एक क्रिएट वाला ऑप्शन आता है। अब जैसे ही क्रिएट का ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट आता है GIF, देन सेकंड आता है कॉलेज। कॉलेज वाला ऐप तो पहले ही मेरे फोन पर था, लेकिन जो GIF जो फर्स्ट ऑप्शन आता है ये नहीं था। Realme 5.0 के बाद ये वाला फीचर ऐड हो चुका है। एंड अगर हमें फोटो पर क्लिक करोगे तो फोटो पर क्लिक करने के बाद आप हमें कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको कौन सा फोटो कितने नंबर पर चाहिए। बस कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पर कुछ स्टेप कर देना आपके फोन पर कस्टमाइज हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट आता है क्रॉप। अगर आप कोई भी फोटो को क्रॉप करना चाहते हो आप क्रॉप भी कर सकते हो, एंड साइज को भी कस्टमाइज कर सकते हो। देन आता है स्पीड, आपको कितना ज़्यादा स्पीड चाहिए, आप यहाँ पर स्पीड भी कर सकते हो, स्लो करना है स्लो कर सकते हो, ज़्यादा करना है ज़्यादा कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई फोटो को लेकर के एक GIF एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो तब वो भी कर पाओगे। मैं यहाँ पर 10 फोटो को लेकर के एक GIF एनिमेशन क्रिएट कर दिया। सेव पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर साइज सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, बस आप साइज पर सिलेक्ट करके सेव कर लेना, फिर आपके फोन पर इजीली सेव हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अब मेरे फोन पर ऑलरेडी सेट हो चुका है। उसके बाद आपको जहाँ पर रिजल्ट है कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। जितने भी आपने फोटो सेट किया होगा उसी फोटो का आप यहाँ पर GIF एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। लास्ट फीचर बताने से पहले आपको और एक बात कहना चाहता हूँ, अपडेट करने के बाद अभी तक मैंने फ़ोन को अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया है, बस मैंने एक दिन यूज़ किया था, उसके बाद मुझे जो कुछ पता चला वो मैं आज की इस वीडियो में आपसे शेयर कर दिया हूँ। और एक लास्ट फीचर जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ अभी तक शेयर नहीं किया। और एक बात है गाइस, इसमें कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं एक तरफ रखूँगा Realme 5.0 के फ़ोन को और एक तरफ रखूँगा Realme 4.0 फ़ोन के, फिर मैं आपको साइड बाई साइड कंपेयर करूँगा तब आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो पर लाने वाला हूँ Realme 4.0 वर्सेस Realme 5.0, तब आपको सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा कि भाई उन दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर मैं अपनी लास्ट फीचर की बात करूँ तो इसके लिए आपको ऑन करना है अपने फोन का सेटिंग, फिर आपको यहाँ पर जाना है यहाँ पर बैटरी वाले सेक्शन पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि Realme 11 Pro Plus एक ऐसा डिवाइस है, इसी के अंदर आपको बैटरी हेल्थ वाला फीचर देखने को मिलता है। सिर्फ Realme 11 Pro Plus 5G को छोड़ करके Realme के किसी भी डिवाइस के अंदर बैटरी हेल्थ वाला फीचर अभी तक ऐड नहीं है। बैटरी हेल्थ वाला फीचर एक्चुअली में मतलब अपडेट के बाद Realme 5.0 के आपको एक न्यू फीचर ऐड कर दिया गया है जिसका नाम आता है स्टॉप चार्जिंग एट 80%। पहले ये होता था कि जब भी हमारे फोन को चार्ज पे लगा कर चले जाते थे तो हमारा जो फ़ोन है वो डायरेक्टली 100% चार्ज हो जाता था, लेकिन Realme 5.0 के अपडेट के बाद अगर आपको 80% से ऊपर में आपके फ़ोन को चार्ज नहीं करना है तो ऐसे में आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हो। उसके बाद जब भी आप फोन को चार्ज पे लगा कर चले जाते हो, जैसे आपका फ़ोन 80% चार्ज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट यानी डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो फ़ोन है 80% से ऊपर में आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा। तो ऐसे में आप इस फीचर का भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको Realme 5.0 विद Android 14 के बहुत कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो इन सारे फीचर्स में से आपको कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। बाकी अगर आपको पार्ट टू देखना है, ये वाला पार्ट वन है, अभी तक मैंने फुल रिव्यू नहीं किया, पार्ट टू वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑलवेज जरूर से प्रेस करके जाना ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो गाइस आज के लिए इतना, मिलता हूँ किसी और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना।